चीन के सबसे बड़े शहर संघाई में लोग सख्त लॉकडाउन में रह रहे हैं। लंबे समय से सख्त लॉकडाउन में रहने के चलते लोगों का गुस्सा स्थानीय अधिकारियों पर फूट पड़ा है। लोग अपने अपार्टमेंट से खड़े होकर चिल्लाते हुए सुने जा सकते हैं। ऐसे कई वीडियोस सामने आए हैं जिसमें लोग अपना विरोध जताते हुए दिख रहे हैं। चीन इन दिनों जीरो कोविड पॉलिसी का पालन कर रहा है। चीन के सबसे बड़े शहर संघाई में फैले कोविड को देखते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने पूरे शहर में कठोर लॉकडाउन लगा दिया है। इसी बीच सख्त कोविड लॉकडाउन से नाराज लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें लोगों को अपने अपार्टमेंट से चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों को स्थानीय अधिकारियों से लड़ते देखा जा सकता है। लोग चेतावनी दे रहे हैं कि इतने सख्त लॉकडाउन का गंभीर परिणाम हो सकता है। चीन ने अपने सख्त कोविड नीति के तहत संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 5 अप्रैल से ही शंघाई को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। शहर के 26 करोड़ लोगों को घरों में ही कैद कर दिया गया है। अमेरिका के रहने वाले जाने माने स्वास्थ्य वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक फिगल डिक ने शंघाई की कुछ वीडियो ट्वीट किए हैं। उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि अपार्टमेंट से चीन के लोग स्थानीय बोली शंघानी में चिल्ला रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, लॉकडाउन के 7वें दिन संघाई के निवासी अपने ऊंचे अपार्टमेंट से चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। वो कहता है कि लोगों को ज़्यादा दिनों तक रोक कर नहीं रखा जा सकता। उनका कहना है कि अब आने वाले समय में त्रासदी होगी।要命了，再给俺弄下去，我那个真要岔出去了，操，麻烦了。根治啥么呢？因为所有的人，你都不晓得这个状态。उन्होंने वीडियो की सत्यता की पुष्टि करते हुए लिखा कि ये वीडियो पूरी तरीके से सत्य है। मेरे सूत्र इसे सत्यापित कर रहे हैं। शंघानी एक स्थानीय बोली है। चीन की 1.3 अरब आबादी में से केवल 14 करोड़ चीनी ही इसे बोलते हैं। मैं इस भाषा को जानता हूं क्योंकि मैं वहां पैदा हुआ हूं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि संघाई में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और ओमिक्रॉन का BA.2 संस्करण चीन में और बढ़ने वाला है। वहीं इतने सख्त लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं और उनके पास खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई है। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग सब्जियों को कम खर्च करते हुए अधिक दिनों तक बचाने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। संघाई में रविवार को 25,000 कोविड संक्रमण के नए मामले सामने आए। विश्व के अन्य शहरों की तुलना में ये मामले काफ़ी कम हैं, लेकिन चीन के हिसाब से देखें तो 2019 के वुहान से कोविड फैलने के बाद चीन अब तक के सबसे खतरनाक कोविड से जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडियो न्यूज 24। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।